Hello everyone, welcome to Tarun IAS Academy. This side Soumya and I'll let you know how to focus on your study. वो ऐड होते थे ना, पहले मैं बहुत काला था, उसके बाद मैंने वो वाली क्रीम लगा ली और फिर मैं बहुत गोरा हो गया. ऐसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज पे फोकस किया और उसके बाद मैंने 100% फोकस मैंने यहाँ पे अटेन कर लिया. ठीक है, सो यहाँ पे फोकस आपको कैसे करना है, ठीक है, फोकस आपको स्टडीज पे कैसे करना है, ये हमारा प्राइम टॉपिक है. अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है प्रेजेंट दुनिया में. ठीक है, हर चीज यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी. ठीक है, लड़कों के लिए चाहे वो लड़कियां हो, लड़कियों के लिए वो लड़के हो, देन फोन्स अपने आप में एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन है, सोशल मीडिया का अलग डिस्ट्रैक्शन है, एल्कोहल स्मोकिंग, कितना डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है. डिस्ट्रैक्ट मत हुइए, फोकस रखिए. कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे सही फोकस, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू हैव स्टार्टेड. Always remember why you have started. जब आपने अपना aim decide किया होगा that you need to be an IAS officer, I want to be IPS officer. So why you want to be an IAS officer? Why you want to be IPS officer? उसमें दम होना चाहिए. चाहे पैसा ही कमाना है, कोई दिक्कत नहीं, but एक दम होना चाहिए उसमें, एक आग होनी चाहिए. ठीक है, so remember why you have started. What is the point that have driven you, that you have started, that you have taken such a big decision in your life? So always remember that. If you always remember that, you will never be distracted ki small small distraction se. So agar aapko main point yaad hai na ki are yaar mere ko iske liye karna hai ya mujhe is cheez ko achieve karne ke liye karna hai, so aap kabhi bhi distract nahi hoge, right? And then रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डू योर वर्क. जैसे यहां पर बात अगर मैं यहां पर यूपीएससी की करूं, आपका काम क्या है, पढ़ना. अभी पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ट्रैक सही क्या है. बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं 22 घंटे 20 घंटे, बट क्या पढ़ना है, सही ट्रैक क्या होना चाहिए. एक ओशियन में चले जाते हैं, डीप इन टू द ओशियन. ठीक है, तो यहां पर आपको करेक्ट रास्ता पता होना जरूरी है. You just need to cross the river. You don't need to cross an ocean. समुद्र पार नहीं करना है, महज एक नदी पार करनी है. अब वो नदी है या समुद्र है, ये कब डिपेंड करेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा. आप अपना रास्ता कॉम्प्लिकेट बनाएंगे, समुद्र बन जाएगा. आप आसान बनाएंगे, नदी बन जाएगी. ठीक है, सो यहां पर आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. हमेशा एक विजन रखना है कि आज मेरा ये टारगेट है. अब कैसे डिसाइड करना है टारगेट क्या होना चाहिए, तो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूं, आप जाके देख सकते हैं. स्मार्ट नोट मेकिंग हो, प्रॉपर टाइम टेबल हो, देन ये सारी ही वीडियोस आपको फर्दर नीचे प्रोवाइड हो जाएंगी. आप स्क्रॉल करके देखिए, आपको सारी वीडियोज यहां पर दिखेंगी, आप उन वीडियोज को देख सकते हो, इंटरकनेक्ट कर सकते हो चीजों को. ठीक है, सो ऑलवेज कीप योर विजन वेरी क्लियर. विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए. आज मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, फिर 15 दिन में मेरा ये टारगेट होगा, मुझे अचीव करना है. अगर इस तरीके से चलेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते. ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये उन्हीं को ही डिस्ट्रैक्ट करेंगी जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है. क्लियर है, देन अब आपको पढ़ना कैसे है. कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट को बुक से पढ़ना है, सभी के नोट्स नहीं बनाने हैं. नीचे अगर आप देखेंगे स्मार्ट नोट मेकिंग वीडियो है, यहां पे स्मार्ट नोट मेकिंग, हाउ टू डू स्मार्ट नोट मेकिंग, सो उस वीडियो को देखिए, महज कुछ 7-8 मिनट की वीडियो है और वहां पर मैंने आपको बताया है किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, किस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं, मेन्स में किस किस के नोट्स बनाने हैं, प्रीलिम्स में किस किस के नोट्स बनाने हैं. तो वहां पे एक करेक्ट स्ट्रैटेजी बताई है मैंने नोट्स मेकिंग की. सभी लोग बताते हैं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ. कैसे बनाओ और किसके बनाओ, क्या सबके बनाओ, तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे, अपनी पब्लिकेशन निकाल दोगे. नहीं, अपनी पब्लिकेशन नहीं निकालना है. ठीक है, बुकमेनिया नहीं बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है. ओके, सो यहां पर आपको किस किस के नोट्स बनाने हैं, देन पढ़ना कैसे है, हाउ टू इफेक्टिव स्टडी वीडियो है, आप देख सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद आपको ऑलवेज रिमेंबर
ये जो 0% फोकस से 100% फोकस है ना, कि सिर्फ एक ही चीज से आएगा, इफ यू नो व्हाई यू हैव स्टार्टेड. इफ यू नो व्हाई यू हैव स्टार्टेड, यू विल नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड. और अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, रहा एकदम क्लियर होगी, तो मंजिल भी उतनी ही नजदीक नजर आएगी. क्लियर है? चलो अब इस वीडियो को यही अंत करते हैं, और इसी तरीके की वीडियोस आप देखते रहिए. कंप्लीट प्रीलिम्स ऑफ मेंस बूस्टर कोर्स मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं, जहां मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी, कंप्लीट प्रीलिम्स का हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी. करंट अफेयर्स की सीरीज ऑलरेडी मैं आपके लिए लेके आती हूं. मेंस का मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस का, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसका एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे. कंप्लीट मेंस की सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए. आप उस सीरीज को देखिए, अपने नोट्स खुद बनाइए. अगेन बोल रही हूं, मेरे नोट्स भी मत कि मैम के नोट्स हैं बस अब यही हम टीप लेंगे, नहीं, उनको देख के अपने नोट्स बनाइए. ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.